मतलब इससे पहले चिदंबरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको वन टू वन एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करो भाई, मतलब हद हरानी की। मोदी जी चाहते क्या है, मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो, उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है, पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है, क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है, असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार।